शिव का रूप नहीं है, इसलिए सब जगह देखो शिव की प्रतिमा की पूजा नहीं होती, शिवलिंग की पूजा होती। क्यों? बोले ये मत समझो शिव कोई व्यक्ति है, ये नहीं समझना है। ये कहीं बैठा रहा वहां 15,000 साल पहले ध्यान में बैठा रहा कोई व्यक्ति, ऐसे ऐसे बोलने वाले कुछ जानते ही नहीं इसके बारे में, ना शास्त्र जानते ना अनुभव में जानते इस बात को। शिव कोई व्यक्ति है ही नहीं, इसीलिए अरूप, शिव का कोई रूप नहीं है। जहां वाणी और मन प्रवेश नहीं कर पाता, छू नहीं पाती, वही तत्व है शिव तत्व। और वो ये प्रकृति से उनका विवाह है, माने ये प्रकृति शिव तत्व में ही रहता है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सब जगह शिव जी की आराधना है, सोमनाथ से लेके वहां आप खामाख्या तक सब जगह शिव जी की आराधना। और हम क्या कहते हैं, शिव जी माने एक लिंग है, शिव की मंदिर है, वहां जाओ भक्ति से, मगर अंतर्मुखी होने के लिए ही सारा व्यवस्था है। हम बाहर ही बाहर रह जाते हैं, इससे लाभ नहीं होता, मगर सच में इसका लाभ उठाना हो तो अंतर्मुखी होना, शून्य हो जाना, शांत हो जाना। और वो शिव तत्व सब जगह है, सर्वव्याप्त, ब्रह्मांड व्याप्त देहा। किसी किसी स्थान पर क्यों जाना, वहां पर कोई संत महात्मा ने वहां प्राण प्रतिष्ठा करी है, या वहां पर बहुत आराधना करी तो वहां की एनर्जी अच्छी है, वहां चैतन्य शक्ति है, उस चैतन्य में तुम बैठोगे तुम्हारी चैतन्य भी बढ़ने लगेगा। इस कारण से ये सब ज्योतिर्लिंग बने, 12 ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग अर्थ ही ज्योति स्वरूप है, वहां जाके तुम बैठो, अपनी शक्ति अपनी ऊर्जा को अनुभव करो। ध्यान करने से ही शिव तत्व की अनुभूति होगी। तब कहते शिवो हम शिवो, मैं और शिव अलग नहीं है। और दूसरी एक बात भी रही, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए भी लोगों ने ये बनाया। दक्षिण के लोग काशी जाएं, काशी के लोग रामेश्वरम जाएं, यहाँ से केदारनाथ जाए, तो इस तरह से करके भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए ये सब यात्राएं बहुत कारणीभूत रहा है।